हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 7-Zip को कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे विंडो पीसी के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता रहा हूँ डाउनलोड कैसे करते हैं। डाउनलोड करने के लिए गूगल ओपन कर लीजिए, गूगल के अंदर 7-Zip टाइप कर लीजिएगा। टाइप करने के बाद फर्स्ट लिंक ही आएगा, डाउनलोड 7-Zip, उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ अलग अलग सेक्शन में आपको दिख जाएगा, जो सबसे ऊपर होगा लेटेस्ट वर्जन होगा, उसका वर्जन लिखा होगा, डेट लिखा होगा। उसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ओल्ड वर्जन है, उसके नीचे जाएंगे ऑल ओवर वर्जन है, तब लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है 64 बिट है। पहले भी मैं बताया था कैसे चेक करते हैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है, चलिए फिर से बता देता हूँ। माई कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ आपको दिख जाएगा, जैसे मेरे केस में 64 बिट है तो 64 बिट दिखा रहा है। यदि आपका 32 बिट होगा 32 बिट ही दिखाएगा। ऐसे चेक कर लीजिएगा, जो भी बिट का होगा वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा 32 बिट का भी 64 बिट का भी, डायरेक्ट वहाँ क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। चलिए मैं 64 बिट का डाउनलोड करता हूँ। क्लिक किया, सेव कर लीजिए। आप जहाँ भी पाथ डालना सेव करना चाहते हैं वो पाथ डाल के सेव कर लीजिए। मेरा सेव हो गया। इंस्टॉल करने से पहले मैं हमेशा बताता हूँ, पहले अनलॉक कीजिए, नहीं तो बहुत सारा फीचर सिक्योरिटी अनलॉक कर लीजिए, नहीं तो काम नहीं करेगा। राइट क्लिक किया, अनब्लॉक कैसे करते हैं, सिक्योरिटी में जाके अनब्लॉक पर टिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। करने के बाद अब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। कुछ सिंपल है, सेलेक्ट करके इंटर दबा दीजिए, या सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर लीजिए, या राइट क्लिक करके ओपन कर लीजिए, या रन एडमिनिस्ट्रेटर कर लीजिए। बहुत सारे मेथड रहते हैं, किसी मेथड से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए इंस्टॉल कर रहा हूँ, सिंपली है, कोई वो नहीं है। इंस्टॉल हो गया हमारा। चेक कैसे करेंगे इंस्टॉल हुआ है ना, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको दिख जाएगा 7-Zip फाइल 7 मैनेजर, या नहीं तो आप राइट क्लिक करेंगे, कोई भी फोल्डर, एग्जांपल कल मैं आपको बता रहा हूँ एक फोल्डर बना लिया, उसको जिप करना है तो राइट क्लिक करके यहाँ भी देखेंगे ना, आपको दिख जाएगा 7-Zip आ गया। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे करके आप ओपन करके जिप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि जिप करने का क्या तरीका है, उसमें पासवर्ड कैसे लगाते हैं, फ्यूचर सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं, कैसे आप अपने फाइल को सिक्योर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा। थैंक यू देखने के लिए। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।